हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शुभम एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आ चुका हूं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा टीवीएस जुपिटर में जो बीपर लगता है, जो बर्जर है, उसके बारे में मैं बात करूंगा कि कैसे आप उसे इंस्टॉल करें और आप कैसे उसे अगर हटाना चाहते हैं, कुछ लोगों को वो साउंड नहीं पसंद आता है तो वो कैसे हटाएं। तो दोस्तों आइए ये वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि कैसे इसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम इसे अगर हटाना चाहेंगे तो कैसे हटाते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, ये है जुपिटर का फ्रंट पैनल और इसको हम ओपन करेंगे। तो ये बेसिकली कुछ इस पेज लगे होते हैं और इसको हम ओपन करेंगे। ये जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये दोनों साइड पर हैं और इसको हम ओपन करेंगे। और इसमें क्या है कि कुछ हुक्स भी होते हैं जो फंसे होते हैं, उसको हमें निकालना होता है। उसको जब हम निकालेंगे तो ये पैनल जो है बाहर आ जाएगा। ये है बज़र और इसको हम निकालेंगे, और कैसे निकालते हैं इसको हम बताते हैं। तो गाइस ये देख पा रहे हैं, ये कपलर है और कपलर को हम बाहर कर देंगे तो ये निकल आएगा बाहर। तो दोस्तों इसको हमें हल्का प्रेस करना होगा और ये कपलर है ये बाहर आ जाएगा। और फिर से हम इसको लगा देते हैं तो ये एक सिंपल सा है कि यहाँ के हम कनेक्शन भी कर सकते हैं इसका और हल्का सा प्रेस करके बाहर भी निकाल सकते हैं। तो गाइस ये बर्जर है और काफ़ी लोगों को ये पसंद भी आता है, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता है। तो ऑप्शन है, अगर आप इंस्टॉल करना इसे चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अलग साउंड का है बर्जर तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ एक जो है पेज पे ये लगा हुआ है, उसे आपको निकालना होगा और बाहर हो जाएगा। और ये कपलर जो है, कपलर से कनेक्शन हटा देना होगा। और अगर आपको सिर्फ अगर इस पर कोई और इंस्टॉल नहीं करना है तो आप कपलर को बाहर कर दीजिए और एज़ इट इज़ उसको पड़ा रहने दीजिए। तो ये बीपर जो है साउंड नहीं करेगा जब आप टर्न सिग्नल लैंप या इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। और अगर आपको ये बर्जर लेना है, टीवीएस का जेन्युइन आप लेना चाहते हैं, तो आपको ओरिजिनल पार्ट नंबर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो ये आपको मिल जाएगा। तो वापस हम यहाँ पैनल को लगा देंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।